श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन काशी मेमोरियल सोसाइटी हयात रायपुर एहसास वुमन रायपुर की ओर से आयोजित होने वाली कलम श्रृंखला की 34वीं कड़ी में मैं गौरव जिंजा शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अब मैं अपनी सहयोगी पृथा को आमंत्रित करूंगा कि वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगी परिचय पढ़ेंगी हमारे आज की हमारी मेहमान लेखिका आशा प्रभात जी का और हमारी आज की सूत्रधार शकुंतला शर्मा जी का पृथा। आज की जो हमारी मेहमान लेखिका है वो है आशा प्रभात जी। आशा प्रभात जी अदम्य इच्छा शक्ति का पर्याय है। आप पुरातत्ववेत्ता बनते बनते साहित्यकार बनी और हिंदी तथा उर्दू साहित्य कोश को समृद्ध किया। आज आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपके सर्जन की प्रतिभा भारत की सीमाओं के पार भी ख्यात हो चुकी है। आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज दोनों भाषाओं हिंदी और उर्दू में आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है तथा कुछ सर्जन की प्रक्रिया से गुजर रही है। आपकी पुस्तकों की प्रतीक्षा हजारों पाठक करते हैं। साहित्य सर्जन के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों के प्रति भी समर्पित हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही आज के हमारे इस कार्यक्रम में जो सूत्रधार की भूमिका निभा रही हैं वो है शकुंतला शर्मा जी। शकुंतला शर्मा जी का जन्म जांजगीर के कोसला में हुआ। आपने एमए की शिक्षा लेने के साथ ही बीए सिद्धांतालंकार विद्या वाचस्पति की उपाधि भी अर्जित की है। रचना की बात करें तो 1962 में भारतवर्ष हमारा है शीर्षक से पहली इन्होंने कविता लिखी है अपनी। 1964 से स्फुट कविताएं यत्र तत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं आप दोनों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शुक्रिया। मैं इस उपन्यास को पूरा तो नहीं पढ़ पाई किंतु मैं अशोक वाटिका गई थी। वहां मुझे बहुत सारे शब्द चित्र मिले और बहुत अच्छे अच्छे चरित्र भी मिले। तो आप लेखन के साथ चित्रकारी भी करती हैं ऐसा लगता है। मैं चित्रकारी तो नहीं करती, शब्दों से चित्रकारी करती हूँ। अशोक वाटिका सीता के जीवन का बहुत ही बहुमूल्य क्षण वहाँ बीता है जो तमाम उम्र उनके लिए एक अभिशाप बन गया था। इसलिए उनका वहाँ रहना, किन परिस्थितियों में वो वहाँ रह रही हैं, तो पाठकों को अपने साथ वहाँ ले जाना बहुत आवश्यक लगा। इसलिए मैंने शब्दों में उन स्थितियों को परिस्थितियों को उनके संतापों को ढाला है। यही शब्द चित्र है मेरे और मैं अपने पुस्तक के साथ पाठकों को मैं वहाँ वहाँ ले जाना चाहती हूँ जहाँ जहाँ जानकी के उस समय बीते। यहाँ अशोक वाटिका में जो त्रिजटा का व्यवहार है सीता के प्रति वह बिल्कुल जैसे माँ का बेटी के साथ होता है ऐसा है। और एक जगह उसने यह भी कहा है जब सीता जी रावण के परिवार के प्रति कुछ कह रही थी तो एक जगह त्रिजटा ने यह भी कहा है कि केवल हमारे यहाँ नहीं आर्य लोगों में भी तो स्त्रियों के साथ बहुत अत्याचार होता है। ये बात आप क्यों भूल जाती हैं? सारे नियम तो स्त्रियों के लिए बने हुए हैं ऐसा भी एक पढ़ने में मिला है मुझे। आपको मैं अब आज से 9000 साल पूर्व ले चल रही हूँ। 9000 वर्ष पूर्व हमारे आर्य जाति को हो रहा आज सभ्यता जाति को नहीं मैं कहूँगी सभ्यता। आर्य सभ्यता से पहले हमारे जो परिवेश थे उसमें परिवार मूलक नहीं थे। पिता का नाम नहीं होता था, माँ के नाम से बच्चे जाने जाते थे। वो जैसे कबीलाई आज भी अरब में है उसी तरह की संस्कृति थी। तो आर्यों ने इसको एक परिवार मूलक बनाया और दंपत्य से जोड़ा, बच्चों को पिता का नाम दिया और पिता सर्वे सर्वा बन गए यानी पितृ सतात्मक उस समय से हमारा शासन चला। तो वहाँ शुचिता तभी से आई
पर उससे पहले ये सुचिता स्त्रियों के प्रति पवित्रता का कोई मान्य नहीं था। आर्य सभ्यता में इसकी उत्पत्ति हुई और रक्ष संस्कृति जो रावण के यहाँ था तो वहां स्वच्छंदता थी। हरण अपहरण बलात्कार इसका कोई अर्थ नहीं था और पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन भी एक सहजता से विषय था। तो त्रिजटा जब सीता को देख रही है कि पति के वियोग में सीता इतनी तड़प रही है तो वो सोचती है कि ये कैसी प्रजाति है, ये कैसी सभ्यता है कि एक स्त्री अपने देवर के लिए अपने पति के लिए इतना तड़प रही है। रावण जबकि इतना बड़ा राजा है, स्वर्ण महल का वासी है और सब दीपों का राजा था उस समय रावण, और उसके कहने में नहीं मान रही है, महारानी नहीं बनना चाह रही है और इस तरह से एक वस्त्र में जी रही है, वृक्ष के नीचे बैठ के जी रही है। तो उसको आज सभ्यता के प्रति ललक होती है और कहती है कि हमारे यहाँ सहगमन है, सहमति से है, स्वतंत्र है। लेकिन एक चीज वो कचोड़ता है उसको कि जब पुरुष दूसरी स्त्री के पास जाता है तो वो स्त्री जो उम्र दराज हो जाती है उसकी क्या पूजा होती है। ये रक्ष संस्कृति में भी है और आज संस्कृति में भी है। हमारे यहाँ तो हम इसलिए हैं कि हम प्रतंत्र हो गए हैं पितृसत्ता में पुरुष सत्ता में, लेकिन वो स्वच्छंद रह के भी सुखी नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित स्त्री समाज ही होती है, स्त्री समाज ही है अभी भी प्रताड़ना के दर में, प्रतिबंध के दर में, प्रतंत्र के दर में। मैं ये सोच रही हूँ कि हम माताएं अपने बेटे को बेटियों को दोनों को पालती हैं, केवल हम मनुष्य में ही नहीं हर जीव में माँ ही बच्चों को बनाती है। तो हम ऐसा क्या कर देती हैं कि लड़का अलग संस्कार ले लेता है और लड़की बेचारी दब जाती है। इसमें तो मैं सोचती हूँ कि हमारा ही दोष है, इसके लिए आप क्या सोचती हैं? देखिए दोष तो हमारा ही है, हम जब बच्चों को परवरिश करते हैं। आज कुछ घरों में बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर मेरा बेटा और बेटी दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम बेटा को कभी नहीं पुकारेंगे कि बाबू तो देखो कौन आया है, बाबू उठ के एक कप चाय बना दो, एक गिलास पानी दो। हम बेटी को पुकारते हैं तो विशिष्ट हम उसी समय से उसको बनाना शुरू कर देते हैं और ये कभी नहीं सिखाते कि तुम समान हो हमारे लिए और ये समाज में समानता है तुम लोगों में। हमारी लड़ाई कहीं ये नहीं है कि हम स्त्री हैं, हम स्त्री हैं, हम इस पर गर्व करते हैं। हमारी लड़ाई है कि हमको आप व्यक्ति की तरह मानो, हमारे पास भी आपकी तरह दिमाग है, आपकी तरह सोच है, समझ है। आप तो सब कुछ स्वीकार करते हैं, हमारे समर्पण को भी, हमारे सब कुछ होने का भी, लेकिन ये नहीं मानते कि हम बुद्धिमान भी हो सकते हैं। यही आकर के आप कहते हैं कि नहीं तुम चुप रहो, कहता बुद्धि। तो ये नहीं जानना जो है यही हमारे लिए पीड़ादायक है। आप व्यक्ति की तरह माने, हम सहभागिता चाहते हैं, स्वच्छता नहीं चाहते समाज में। इस उपन्यास से आपको कौन सा प्रसंग बहुत अच्छा लगा उसके विषय में हमें बताइए। बहुत कठिन सवाल है। एक राइटर वस्तुतः मैं पूरा उपन्यास पढ़ नहीं पाई हूँ तो मैं प्रश्न करने में थोड़ा सा झिझक रही हूँ। ये मुझे बहुत देर से मिली किताब, मैं पढ़ नहीं पाई, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सा अच्छा लगा उसमें से कुछ बताइए हमें। चार वर्षों मैंने इस उपन्यास को जिया है और सीता को जिया है, चार वर्षों एक एक शब्द को मैंने जिया है और भोगा है। मैं कुछ शब्दों में बता दूं कि रामायण में दिखाया गया है कि सीता भूमि से प्राप्त हुई, भूमि में अन्न उपजता है, बच्चे नहीं उपजते, खराब में जानते हैं आप लोग जानते हैं। तो सीता जब थोड़ा सा चेतना उनमें आती है, समझ आती है, तो सुनती है कि मैं जनक की अपनी पुत्री नहीं हूँ, पालित पुत्री हूँ, तो क्या एक बच्चा नहीं सोचेगा कि फिर मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, कौन थे मुझे त्यागने वाले, क्या परिस्थितियाँ उनके सामने थी, क्या मैं इतनी अवांछित थी। और ये डायमेंशन जो सीता के जीवन में शुरू होता है बचपन से, शायद दुनिया में किसी भी औरत के जीवन में इतना डायमोड नहीं आया जितना सीता के जीवन में आया। अब देखिए कि जब नवजुवा होती है, नवजुवा लड़कियों के मन में अपने भावी पति के लिए कितनी कोमल कोमल भाव होते हैं, और जब उनकी बहनें कहती हैं कि तुम्हारे मन में किसकी छवि है, तो कहती है किसी के लिए।
किसकी छवि मैं रखूं? पिता का प्रण जो पूरा करेगा वो मेरा पति होगा। मैं अपने अहिकर में किसी और को बसा कर तन किसी के साथ नहीं बांट सकती। ये कितनी बड़ी पीड़ा है किसी स्त्री की। पति को बनेगा जो पिता का प्रण पूरा करेगा, और उसके लिए अपने पति का मैं घोषणा करके पिता को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। तो ये तकलीफ उनकी एक स्त्री की तकलीफ है। फिर उसके बाद वन में जाती है, तुरंत वनवास होता है, पति के साथ चली जाती है वन में। और वन में जाती है तो अकारण का हरण, अकारण इसलिए मैं कह रही कि कारण राम होते हैं लेकिन हरण होता है सीता का। शूर्पणखा का नाक काम नहीं करता तो रावण हरण करके नहीं ले जाता, तो एक कारण से वो जाती है हरण करके। और लौटती है तो लांछन राम ही लगाते हैं कि पर पुरुष के महल में रहने वाली किसी औरत को कोई कुलीन पुरुष नहीं रखेगा अपने घर में। ये कितनी बड़ी बात है, जिसके लिए 13 महीने वो अशोक वाटिका में धूप ताप शीत सब बर्दाश्त करके रही है, एक वस्त्र धो करके पहन करके रही है। उस स्त्री के मन में जब वो आती है राम से मिलन के लिए, 13 महीने अपने जीवन को रखती है बचाकर कि राम से मिलूंगी, और राम कहते हैं तुमको जहां मन करे वहां चलिए, मैंने अपने वंश के गौरव के लिए युद्ध किया था। आप सोचिए कि स्त्री क्या वहां पर चुप रह जाएगी? तो उस समय सभा में चुप रहती है लेकिन शिविर में बोलती हैं, शिविर में वो राम को कहती हैं, बहुत बातें कहती हैं। और आप बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रखर विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जब मैं जनकेंद्री के साक्षात्कार करेंगे तो आप जानेंगे। मुझे लगता है कि पुस्तक आप लोगों को निराश नहीं करेगी। और बहुत से ऐसे प्रश्न कि राम का वनवास 14 वर्षों ही क्यों हुआ, बहुत सी ऐसी बातें कि आखिर केकई एक राजकुमारी थी, इतनी वीरांगना थी, विदुषी थी, वो नहीं जानती थी कि ज्येष्ठ पुत्र राज का अधिकारी होता है, फिर उसने भरत को राज क्यों माना। तो ये सब बहुत से बातें इसमें आएगी आपकी, और देखेंगे कि हर पग पग पर जहां न्याय होता है सीता मुखर होती है। और अंत तो आप शकुंतला जी पढ़े ही हैं, और मुझे लगता है कि मैं जिस परिवेश से आती हूँ सीतामढ़ी, वहां माँ जानकी का उद्भव है, और वहां उनको देवी रूप में नहीं पुत्री रूप में बहन रूप में भी माना जाता है। वहां के पुरुष अपने को राम के साला मानते हैं, कोई मामा मानते हैं। तो इस तरह के भाव जहां हो वहां उस तरह का अंत लिख देना। और मुझे लगता है कि मुझे मार अभी तक नहीं पड़ी, बहुत बड़ी बात है। तो आप उसमें देखेंगे कि हर चीज को मैंने जीने की कोशिश करी है, त्रिजटा जो कहती है और सीता जो आज वंश के, राम को कभी वो उनके प्रकरण के लिए कभी दोषी नहीं ठहराती, उनके गुणों के लिए कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति कहती है कि पति के रूप में क्यों नहीं सजगते, मेरे प्रति भी तो उनका दायित्व था, अपने पुत्रों के प्रति भी तो उनका दायित्व था, प्रजा के प्रति दायित्व है, मेरे प्रति नहीं। ये बातें हैं, ऐसा नहीं कि पूर्वाग्रह नहीं है कहीं पुरुष के प्रति या राम के प्रति उसमें, लेकिन हाँ अपने अधिकारों के प्रति वो सजग जरूर है, कर्तव्यों की तरह। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। से हमारे बीच में पाठक आए हुए हैं जिनकी जिन्होंने ये किताब अब नहीं पढ़ी है, लेकिन बतौर लेखिका हमारे बीच जब आशा प्रभात जी पहुंची हुई हैं, तो बहुत से ऐसे विषय हो जाते हैं जिनमें हमारी अपनी जिज्ञासाएं होती हैं, जो हम एक लेखक से जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए ये सत्र ओपन है, आप अपने सवाल यहाँ पर अभी पूछ सकते हैं। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कुछ भी मुझे मिला बहुत बढ़िया मिला, तो थैंक यू वेरी मच इस सुंदर आयोजन के। दो प्रश्न हैं, एक मूल नारीवाद का प्रश्न जो कि शुरू से चला रहा है, एक आपके उपन्यास से संबंधित। पाश्चात्य देशों में स्त्री और पुरुष दोनों व्यक्ति हैं तो वहां तलाक ज्यादा है, बहुविवाह है, किंतु भारत में सामान्यतः स्त्री जो है वो वस्तु है और पुरुष जो है वो व्यक्ति है। तो एक बड़ा कारण तलाक ना होने का ये भी है भारत में। इसका मैं समाधान चाहूंगा आपसे कि यदि व्यक्ति, यदि स्त्री थोड़े रूप में वस्तु हो तो वो परिवार को लेकर चलने में
ज्यादा सक्षम हो जाती है और तलाक भी कम हो जाती है और बहुविवाह कम होती है। आपके उपन्यास से संबंधित जो प्रश्न है वो ये है कि राम कारण बने ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि सीता जी का हरण किया गया, सीता जी का भी उसमें बराबर का योगदान है। योगदान शब्द कह रहा हूं मैं, दोष नहीं, क्योंकि राम जी इतना प्रेम करते थे सीता जी से। यदि वर्तमान समय का कोई उच्च श्रृंखल पुरुष हो और इतनी सुंदर शूर्पणखा उसके सामने आए तो निश्चित रूप से वो यही कहेगा कि भाई अभी तो फोन नंबर ले लो, हम बाद में मिलते हैं, अभी घर में सीता है तो बाद में मिल लेता उसका प्रपोजल, वो उसको डिनाइड नहीं करता। लेकिन घर में चूंकि सीता है इसलिए उन्होंने शूर्पणखा को अपमानित करके निकाला। वो एक प्रतीक भी हो सकता है कि नाग कान काटा, क्योंकि नाग स्त्री की या किसी की भी प्रतिष्ठा का एक रूप होती है, वो एक प्रतीकात्मक नाग है, हम उसे ऐसा मान सकते हैं कि वो परपुरुष के पास है तो नाग कटी उसी। तो सीता जी के प्रति प्रेम भी राम जी का इसमें एक मुझे दिखाई देता है। ये दो प्रश्न है। आपका नाम जानना चाहूंगी। मोहम्मद फैज खान। आप राम का प्रश्न पहले, मैं दूसरे प्रश्न का जवाब देती हूँ। मैं बिल्कुल बच्चा हूँ और आपसे समाधान। नहीं नहीं नहीं, समाधान तो किसी समस्या का इतना जल्दी नहीं होता। राम का जहां तक प्रश्न है, राम इस युग में है, राम यूं ही पुरुषोत्तम नहीं बन गए हैं। राम ने बहुत सी रूढ़ियों को तोड़ा है। बहुपत्नी तो की रूढ़ी जो उस समय आम थी, उनके पिता ही बहुत सी शादियां करे थे, सारे राजाओं के अंतर्गृह में बहुत सी पत्नियां होती थी, उपपत्नियां होती थी, और राम ने एक पत्नी व्रत रहने का संकल्प जब सीता को कहते हैं तो कहीं न कहीं समाज को बहुत सुदृढ़ बनाने की बात आती है कि दूसरी पत्नी का पाकर के जो पहली पत्नी के साथ अन्याय हुआ उसके बच्चे के साथ अन्याय। राम को आप जो इतने महान आज भी बने हुए हैं, यही कोई नहीं बन जाता। राम ने उसके सिवा भी बहुत सी बातें तो छोड़ी, कौन राज्य छोड़ता है अपना इतनी आसानी से, चाहते तो एक दिन में युद्ध करके आप भरत को मार करके डाल देते कारावार वास में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, छोड़कर चले गए राज त्याग करके। ऐसा ही नहीं हो जाता है, त्याग करने से ही महानता हासिल होती है या पुरुषोत्तम कोई बनता है। तो राम ने बहुत कुछ छोड़ा, राम सीता को बहुत चाहते थे, लेकिन प्रेम आज के समय में ना समझने वाली बात हो गई है। लोग कहते हैं कि जिससे प्रेम होता है उसका कुत्ते से भी प्रेम हो जाता है। राम को अगर सीता से प्रेम था तो वो फिर शंका की कोई जगह नहीं बचती है प्रेम के बीच में, वहां तो हवा भी बर्दाश्त नहीं होती, शंका कहां से आई। तो बहुत सी बातें उनको समझ पाना, उनको बहुत डूब करके जाना होगा, तब राम को हम समझ पाएंगे, उनके युग को समझ पाएंगे। हम सिर्फ सीता के मुखरता पर बात करते हैं, उनके मौन को तोड़ते हैं, एक स्त्री के मौन को। मैं बूढ़ी तोड़ने की बात करती हूँ, पूरे सीमा को लांघने की बात नहीं करती। एक सीमा जरूरी होता है हमारे अंदर अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए, हमारे समाज को संतुलित बनाए रखने के लिए। और अब पश्चात की बात आते हैं, जब भारत में इतना कुछ हो रहा था, वो अंधकार युग में जी रहे थे, वहां एक चीज हमारे यहाँ से अच्छी बात है, आप कहते हैं वस्तु बना के रखने की बात, वहां स्त्रियां कहती है कि मैं फलाने को चाहती हूँ, आपको छोड़ रही हूँ, तो उसको मारते नहीं है, चलाते नहीं है, काट नहीं देते, इज्जत वायस मानकर वो छोड़ देते हैं उसको जीने के लिए। हमारे यहाँ मार भी जाती हैं स्त्रियां, अगर आवाज उठाती है नैना सहनी की तरह, बहुत सी स्त्रियों की तरह तंदूर में दहका दी जाती है। तो मेरा ये कहना कि आप व्यक्ति मानिए, पश्चात में ये चीज आप देखिए, उसको तलाक पर मत जाइए, ये जानिए कि उसको व्यक्ति की तरह मान करके छोड़ देता है जीने के लिए, खुद भी लेता है। हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, वस्तु मानने का एक मतलब नहीं कि आप उसको इज्जत का वायस बनाएंगे, आप मान लीजिए वो जीना चाहे तो, ये चीज खराब है हमारे यहाँ का, पहले नहीं था हमारे यहाँ, सब युग में ऐसी बातें नहीं थी, त्रेता युग में भी ऐसी बातें नहीं थी, उस समय भी सती प्रथा नहीं थी, कहां राम की माताएं सती नहीं है। धीरे धीरे ये आक्रमण काल जब आया, हमारी
बच्चियां हमारी औरतें जब असुरक्षित हो गई तो कोई जरिया नहीं रह गया था। ये कुछ सौ सालों की बात है, जब हम असुरक्षित हुए हमारे यहाँ बहुत विकृतियां आई समाज में, और विकृतियों का कारण था माता पिता मजबूर हो गए थे बेटियों को मार देने के लिए, पत्नियों को मार देने के लिए। तो खैर वो बात छोड़िए, समय के साथ हम सनातन धर्मी लोग चरैवती चरैवती यह चलते रहो। हजारों हजार ऋषियों ने हमारे वेद के शास्त्रों को वांग्मय को लिखा है और हम उत्तरोत्तर विकास की तरफ बढ़े हैं। हमारा ब्रेन बहुत प्रौढ़ है, हम एक जगह ठहर के कभी सड़े हुए जल की तरह नहीं रहे हैं और आगे भी नहीं रहेंगे। हमारे यहाँ की जो भी कुरीतियां हैं उसको छोड़ते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं, परिमार्जित करते हुए चल रहे हैं और बहुत आशा के साथ चल रहे हैं। अब बहुत अच्छा समाज का निर्माण भी होगा आगे। मैडम आपने से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि सीता मौन है, उसे आपने मुखर बनाया है कि मीन्स वो मौन नहीं हो सकती है, ठीक है। तो मेरे भी मन में बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि सीता जब गर्भवती रहती है उसे जंगल में छोड़ दिया जाता है, तो उनकी तीन सास रहती हैं और उनके घर में पहले बार कोई गर्भ धारण करता है तो उनको कितनी उत्सुकता रही होगी। लेकिन रामायण में कहीं हमको नहीं मिलता है कि कभी कैकेयी ने, कौशल्या ने या किसी ने जा करके उनसे मिला या सुन लिया। तो आपने क्या लिखा है अपने पुस्तक पर? और एक और है, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे देश में वस्तु मतलब औरतों की इच्छा का नहीं किया जाता है। जैसे इसके लिए भी मैं चाहती हूँ, सोचती हूँ कि अंग्रेजों का शासन काल आया तो जब डलहौजी की नीति आई तब से लड़कियों को मतलब सोचने लगे कि हाँ लड़के ही बहुत जरूरी है किसी सत्ता को चलाने के लिए या वंश को चलाने के लिए। तो ये भी हो सकता है और आपका सोच तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद। आपके मनों से क्षमा याचना के साथ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि वाल्मीकि रामायण में सीता का परित्याग नहीं है, ये सब प्रक्षेपक है। उत्तर कांड जो है छह कांड ही वाल्मीकि ने लिखा और राजगति करा के उन्होंने तीसरी कर दिया है। सातवां जो उत्तर कांड है वो प्रक्षेपित है। तो प्रक्षेपित में जब ये आता है तो मेरे उपन्यास में एक ये भी क्वेश्चन है तो फिर आपको लिखने की जरूरत क्या पड़ी? मुझे इसलिए जरूरत पड़ी कि अग्नि परीक्षा तो हुई थी, राम ने एक कठोर शब्द तो सीता पर लांछन लगाया था, ये भी कारण है। मैंने यही कहा कि जो विद्वत जनों को इससे आपत्ति हो तो वो प्रक्षेपित अंश हटा दे, अदरवाइज इसको सहे। उसे ये भी कहा जाता है कि वाल्मीकि ने अपनी पुत्री के समान उसका मतलब रक्षा किया था तो वो उस कथा को नहीं लिख पाए, मतलब इतना कठोर दिल उनका नहीं हो पाया कि वो सीता के वनवास को लिखे। मतलब राम ने परित्याग कर दिया उनका और एक राजकुमारी या एक जो राजवधू है वो जंगल में भटक रही है, इस घटना को वो नहीं लिख पाई। ये भी कहीं नहीं प्रक्षेपित अंश में यही लिखा हुआ है और वही ले जाते हैं वाल्मीकि जी। और वाल्मीकि आश्रम की स्थिति आप देखें कि अयोध्या और मिथिला दोनों के सीमा पर वाल्मीकि आश्रम हमारे बिहार में है, सदा निरा गंडकी के तट पर। तो राम वहां छुड़वाते हैं, अगर छुड़वाते भी है तो वहां छुड़वाते हैं जो उनके मैके में आता है। और उस समय के ऋषि महर्षि के आश्रम महाविद्यालय हुआ करता था, कुटीरों का समूह हुआ करता था, वहां परीक्षार्थी शोधार्थी शास्त्रार्थ सब कुछ छात्र वहां सीखते थे, वहां अध्यापक प्राध्यापक तपस्विनी सब कुछ उसमें रहते थे, गाय, और वहां के राजा उसको अनुदान देते थे, समृद्ध करते थे। तो एक महाविद्यालय होता था, तो ऐसा नहीं था कि किसी आश्रम में कोई भी जाए तो उसकी परवरिश नहीं हो। सीता अगर जाती हैं तो वहां रहती हैं, अदरवाइज हुआ नहीं है, हुआ भी है तो वाल्मीकि आश्रम में रही और वाल्मीकि जी ने उद्धृत किया है। अगर प्रक्षेपित अंश माने तो उन्होंने सब कुछ दिया, खुद ले जाकर के सीता को राम के सभा में समर्पित करवाते हैं उनके पिता को। इसलिए ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा गया है, लिखा गया है, इसको आप पढ़िए और इसमें भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा उससे संबंधित। मैम आपको ज्यादा नमस्कार। मैम सीता को लेकर मेरे मन में दो तीन सवाल थे। आपने सीता को बहुत मुखर बताया है कि सीता बहुत मुखर है, जैसा कि आपने अपनी किताब में भी लिखा है, आपने ऐसा बता दिया। मेरे को ऐसा जानना था दो तीन चीजें कि सीता का मुखर होना रामचरित मानस या रामायण में इस तरह से क्यों नहीं दिखता है? पहली बात तब आती है जब धनुष तोड़ने की बात आती है, सीता का स्वयंवर होता है
तो स्वयंवर तो इस तरह से था कि जो धनुष तोड़ेगा वो सीता का वरण करके ले जाएगा, तो क्या सीता इस चीज को स्वीकार क्यों कर लेती हैं कि जो धनुष तोड़ेगा वो स्वीकार उनको स्वीकार हो जाएगा, वो उसके साथ शादी कर लेगी। दूसरी बात यहाँ पर आती है, जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी होती है तो राम को बोलते हैं कि आपको अग्नि परीक्षा देनी है, वो स्वीकार कर लेती है कि हाँ मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोल सकी सीता उस समय क्योंकि मैं अग्नि परीक्षा क्यों दूं वहां पे। तीसरी बात, जब वो गर्भवती रहती है और उनको वन भेजा जाता है, तब सीता क्यों प्रतिरोध नहीं करती हैं कि मैं क्यों बन जाऊं इस स्थिति में। इन चीजों को विरोध क्यों नहीं करती हैं सीता जो है, मैं आपकी दृष्टि से जानना चाहूंगा। आपने कभी गौरव रामायण किसी रामायण को पढ़ा है? रामचरितमानस। अच्छा, मानस आपने पढ़ा, वो भी पुस्तक की तरह नहीं पढ़े होंगे आप, धर्म ग्रंथ की तरह जरूर पढ़े होंगे। सीता का वर्ण करने के समय राजा जनक क्यों करते हैं? आप अभी मैंने कहा कि हम परिणाम पर बातें करते हैं, आप क्यों क्यों बहुत प्रश्न उठाए हैं, लेकिन कभी आप परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिए कि सीता जब 7-8 वर्ष की रहती है तो वो धनुष जिसमें शंकर भगवान का बहुत बड़ा, उस तरह का दो ही धनुष होता है, एक विष्णु के पास सारंग, एक शिव के पास आजीगौ, जो इनके पिता के वंश में मिला रहता है थाती के बताओ, वो एक बक्सा में रखा रहता है जिसमें 12 चक्के पहिए लगे रहते हैं, उसके अंदर गेंद चला जाता है, और वो सहेलियां कहती है कि वो फंस गया, हम कैसे खेलेंगे, तो कहती ठहरो मैं निकालती हूँ, और एक हाथ से ऐसे उसको धक्का देकर दूसरे हाथ से निकालती है, और उसी समय राजा जनक अपने मंत्रियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं, और उनका इस पराक्रम को देखकर उनके मुंह से निकलता है कि इतना ही पराक्रमी जमाता जो होगा वही हमारी सीता का पति बनेगा। और स्वयंवर पर आप प्रश्न मत उठाइए, आप आज के युग की बात करते हैं, स्वयंवर कब रचा जाता था? जब लड़कियां वयस्क होती थी, स्वयंवर ढूंढना, उतने राजा महाराजा बैठे रहते थे, सबके पराक्रम को चारण भाष परिचय देते थे, और जिनको उचित समझती थी उसी को वरमाला धारण करती, इतना स्वतंत्रता कहां है दुनिया में, इसको इस बीच से देखिए ना, इसका ये पराजय है जो भी आया हो, लेकिन लड़कियों की इतना छूट के आज भी देखिएगा जो उस समय हमारे युग में था। स्वयंवर का अनुसार नहीं, अपने आप में बहुत महान चीज है। और सीता गर्भवती जब अग्नि परीक्षा अपने आप देख लीजिए, राम ने नहीं कहा कि अग्नि परीक्षा करो, अभी मैंने कहा था कि वो अपने शब्दों से इस प्रकाष्ठा पर पहुंचाते कि वो खुद अनुष्ठान करते हैं। हाँ, तो अग्नि परीक्षा वो चीज नहीं था जो आप समझ रहे हैं। आज भी बाबू कुछ खाना बदोश जातियों में, छत्तीसगढ़ में भी उस तरह की प्रजातियां होंगी, वो एक आज भी बहुत जातियों में देखिए कि लकड़ी का कोयला सुलगा दिया जाता है, उस पर नंगा पांव चलाया जाता है, वही अग्नि परीक्षा उस समय था कि पांव में फफोला नहीं पड़े, कोनो चीता पर बैठा के जलाना नहीं था। सीता भी उसी तरह चली है, वो एक जलाचने का एक जरिया हो रहा था जो आज भी है कुछ जातियों में, आज भी खाना बदोश की जातियां शुद्धता का उसी तरह लेती हैं परीक्षा। तो ये चीजें सब थी, इसको थोड़ा सा हम तार्किक रूप से इसको तर्क से देखें और परिस्थितियों पर जाए, परिणाम पर सिर्फ नहीं सवाल नहीं उठाया जाता है, परिस्थिति देखिए क्या परिस्थितियां रही होंगी। सीता खुद उस अनुष्ठान को इसलिए करती है कि मुझे साबित करना है, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये कलंक मेरे ऊपर लग जाएगा, इसलिए मुझे साबित करना है कि मैं अछून रही हूं। ये सब कारण हुआ करते थे, और ये 7,500 वर्ष पूर्व आज हमारे वैज्ञानिक भी मान गए, हम वहां तक क्यों उठा रहे हैं। मुखरता की बात इसलिए आई है कि मौन नहीं है सीता, हर जगह बोली है, और बोली है तो कोई गाली बात नहीं दी है। राम के राज्य में राम राज्य कायम हो उसमें उनकी बराबर की सहभागिता, अदरवाइज नहीं जाती जंगल में, वो रह जाती, तब आपके राम राज्य में फूट हो जाता। राम राज्य का आज भी जो एक कंसेप्ट बना हुआ है हमारे यहाँ वो नहीं होता। पत्नी अगर आपका साथ नहीं दी तो आप घर नहीं चला सकते, तो राज चलाएंगे, तो ये त्याग तो सीता का है। इसको पॉजिटिव व्यू में लीजिए, नेगेटिव व्यू में नहीं लेने की जरूरत है, कुछ बातें पॉजिटिव होती है।